देश की निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन हैं। मुकेश अंबानी ने 1981 में रिलायंस का काम संभाला और रिलायंस इंडस्ट्रीज को नए मुकाम तक पहुंचाया। वे रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक हैं। गुजरात के जामनगर में रिलायंस बुनियादी स्तर की विश्व की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी है। जामनगर स्थित यह रिफाइनरी न सिर्फ आधुनिक सुविधाओं से लैस है, बल्कि यह प्राकृतिक सुंदरता से भी भरपूर है। रिफाइनरी के अंदर शिव मंदिर, खूबसूरत पार्क, स्विमिंग पूल, क्रिकेट ग्राउंड तक की सुविधाएं हैं। आरआईएल बाजार पूंजीकरण के आधार पर भारत की दूसरी सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी है एवं राजस्व के मामले में यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। यह कंपनी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में 99वें स्थान पर है। 18 अक्टूबर 2007 को रिलायंस इंडस्ट्रीज $100 बिलियन बाजार पूंजीकरण करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। आरआईएल भारत के कुल निर्यात में लगभग 14% का योगदान देती है। रिलायंस की स्थापना 1966 में भारतीय उद्योगपति धीरूभाई अंबानी द्वारा की गई थी। अंबानी एक ऐसे मार्गदर्शक रहे जिन्होंने भारतीय शेयर बाजार को वित्तीय लिखित जैसी पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचर से परिचित कराया। अंबानी उन पहले उद्यमियों में से एक थे जिन्होंने खुदरा निवेशकों को शेयर बाजार की ओर आकर्षित किया। आलोचकों का आरोप है कि बाजार पूंजीकरण के संबंध में रिलायंस इंडस्ट्रीज की उन्नति को सर्वोच्च स्थान पर लाने का श्रेय बड़े पैमाने पर धीरूभाई की चालाकी से काम निकलवाने की क्षमता को जाता है, जिससे वह नियंत्रित अर्थव्यवस्था को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते थे। यद्यपि कंपनी का मूल व्यवसाय तेल से संबंधित व्यापार है, लेकिन हाल के वर्षों में कंपनी ने विविध व्यापारों में अपने हाथ आजमाए हैं। संस्थापक के दोनों बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच गहरे मतभेद होने की वजह से 2006 में समूह को दोनों के बीच विभाजित कर दिया गया। सितंबर 2008 में रिलायंस इंडस्ट्री अकेली ऐसी भारतीय कंपनी थी जिसे फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे सम्मानित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया था।